मशान नदी की जल वृद्धि में कमी आने से गन्ने की फसलों की कटाव तेज। सुरक्षा कार्मिक कार्य शुरू। बिहार से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा अनुमंडल प्रखंड बगहा एक के आधा दर्जन पंचायत मशान नदी में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित हो गया है। सलहा मरियरवा पंचायत के झारमोली गाँव के कई घर मशान नदी के बाढ़ में चपेट आने से ढह गए। पंचायत के पूर्व सरपंच नजरे आलम, मसान नदी बाढ़ बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष खलीफ कुरैसी, रफी आलम, जयप्रकाश नारायण समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि मसान नदी के कटाव से जानवरों को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई। पश्चिमी चंपारण प्रखंड बगहा एक ग्राम पंचायत सलाह बरियरवा के ग्राम झारमौवी से मैं पूर्व सरपंच नजरे इमाम बोल रहा हूँ। ये जो मसान नदी में पाइलिंग का काम चल रहा था, बांस खड़ा करके बोरा से सुरक्षात्मक काम हो रहा था, कल बाढ़ मसान नदी में बाढ़ आ जाने से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। और फिर कटाव करके वो पाइलिंग का काम जो है मसान नदी के आधा धारा में चला गया है। और इधर जो है इस पानी से बहुत तबाही है, खेत वगैरह कट रहा है, लोगों का गन्ना है, धान का ये है, सब कट रहा है, बालू भी सरे में फेर दिया है। परमानेंट जो है इसका पानी जो है जा करके बरियरवा, सलहा, मुरला और जिंगना टोला और मुसर टोली में तबाही मचा देता है, उधर की फसल बर्बाद हो जाती है। इस मसान नदी के कहर से बचाने के लिए रायबारी महुआ क्रॉस बांध से झारमौवी अजमल नगर होते हुए तमकुही होते हुए बहुवरी मसान नदी पुल तक जब गाइड बांध जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है इस मसान नदी की भयावह स्थिति से यहाँ की जनता दो चार होती रहेगी। हम लोग सरकार से ये कर रहे हैं कि इसका जो है सोल्यूशन गाइड बांध जो है रायबारी महुआ से बहुवरी मसान नदी पुल तक किया जाए। ये जो देख रहे हैं पानी से पूरा जो है गांव घिरा हुआ है, ये सलहा बरियरवा पंचायत हुआ, ये मसान नदी के जो है गोद में ये तमकुही, सलहा बरियरवा, झारमहुई, अजमल नगर, ये बांध के टूट जाने से जो है पूरा पानी से जो है घिरा हुआ है। इसमें हमारा जो है जान माल की खतरा है। अभी जो है यहाँ आप खड़े हैं, ये जो घर घिरा हुआ है ये रामेश्वर तिवारी जी, अरुण कुमार तिवारी, लूडे तिवारी, वीरेंद्र पासवान, सच्चानंद मिश्र जी का ये घर हुआ, मुंडीला गाँव हुआ, और कंपुही के सभी लोग यातायात की सुविधा बाधित होने के कारण हमारे MLC साहब जदयू के श्री भीषण सहनी जी पूरे अपने कर्जकर्ता को अलॉट कर दिए हैं। सभी जायजा हम लोग ले रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। आने का सुविधा यातायात की सुविधा बाधित होने के कारण हमारे MLC साहब आ नहीं रहे हैं, लेकिन पूरे जो है कर्जकर्ता को अलर्ट कर दिए हैं, सब लोग देख रेख में हैं। ये हालात है यहाँ के सर। मैं सुरेश यादव पैक सजा।